वेलकम टू माई चैनल मवारिको। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ड्यूरिंग रिपोर्टिंग ले जाने पड़ेंगे जिस इंस्टीट्यूट का अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा। तो बेसिकली वो चाहे ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस बार लग सकते हैं वो मैं आपको पूरा लिस्ट बताऊँगा, जिससे आपको अभी से आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन ओरिजिनल वो डॉक्यूमेंट रखिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चेक किए जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसी के बारे में चलिए बात करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं तो आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे इन ओरिजिनल। नंबर एक हाई स्कूल की मार्कशीट, सेकेंड इंटरमीडिएट की मार्कशीट, थर्ड हाई स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट, फोर्थ इंटरमीडिएट का पासिंग सर्टिफिकेट, फिफ्थ आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी हो सकता है, चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ हो, फिफ्थ बर्थ सर्टिफिकेट, सिक्स्थ कैटेगरी सर्टिफिकेट, मीन्स अगर आप जनरल के अलावा OBC SC ST है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। स्टेट काउंसलिंग में आपको सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ले जाना जरूरी होगा। दोस्तों ये तो रहा कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ ले जानी बहुत ज़्यादा जरूरी, कम से कम 5-6 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि जो आपने एप्लीकेशन में फॉर्म में फ़ोटोज लगाई हुई हैं वही फ़ोटो रहे तो ज़्यादा बेटर है। नीट 2020 का एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है, नीट 2020 का रैंक कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा जब आप काउंसलिंग में सेलेक्ट होंगे, आपका पूरा अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे MCC काउंसलिंग वेबसाइट हो या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग वेबसाइट हो, वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ये भी ले जाना बहुत ज़रूरी। इसके अलावा जो आपका जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था जो लास्ट फेज था, फाइनल सबमिशन पेज था, वो भी मांगा जाता है, तो वो भी अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। दोस्तों ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको PWD सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य होगा।